दोस्तों, ये है भारत की पावन भूमि बिहार, जो कि अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रचलित है। बिहार में पर्यटन के लिए हजारों लोग रोजाना आते हैं, जिसके कारण यहाँ एयरपोर्ट्स की सख्त जरूरत होती है। यूं तो बिहार में कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल संचालन में सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में सिर्फ 3 एयरपोर्ट्स रहने से बिहार में टूरिस्ट्स के आवागमन का काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार में कई सारे पर्यटन स्थल है जिनकी मान्यता पूरे विश्व भर में फैली हुई है, और टूरिस्ट्स इन पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए दुनिया के कोने कोने से बिहार पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं बिहार राज्य के 3 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नंबर 1, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना। दोस्तों, बिहार के 3 सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है पटना एयरपोर्ट, जिसे जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एयरपोर्ट भारत का 15वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और बिहार का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का ओनर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जबकि इसका संचालन भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट में एक रनवे है जिसकी लंबाई 2072 मीटर की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके 34,40,450 यात्रियों ने आवाजाही किया था। वहीं 23,740 विमानों का संचालन इस एयरपोर्ट के माध्यम से किया गया था। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से एयर इंडिया, फ्लाईबिग, इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा के विमान देश के कई बड़े शहरों के लिए उपलब्ध है। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देवघर, गोवा, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, पुणे, रांची, अमृतसर, अयोध्या और गुवाहाटी के लिए विमानें उपलब्ध है। नंबर 2, दरभंगा एयरपोर्ट। दोस्तों, बिहार के टॉप 3 एयरपोर्ट्स की लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दरभंगा एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड है DBR। दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट नेशनल हाईवे 105 और नेशनल हाईवे 57 के बगल में लोकेटेड है और इसका संचालन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट को 8 नवंबर 2020 में खोला गया था। दरभंगा एयरपोर्ट में एक एस्फाल्ट सरफेस रनवे भी है जिसकी लंबाई है 2743 मीटर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 5,26,066 यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट का यूज करके आवाजाही किया था। वहीं 3,335 एरोप्लेन की आवाजाही एयरपोर्ट के माध्यम से हुई थी, जबकि 418 टन कार्गो की शिपमेंट एयरपोर्ट के माध्यम से की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद, कोलकाता, अयोध्या, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ानें मौजूद है। दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो और स्पाइसजेट की उड़ानें मिलेंगी। दरभंगा एयरपोर्ट को सबसे पहले महाराजा कामेश्वर सिंह बहादुर के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने इसे अपने प्राइवेट एयरलाइंस के लिए बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने 3 डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट खरीदा था, लेकिन बाद में 1962 में दरभंगा एयरपोर्ट असंचालित हो गया। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट को एक्वायर किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल में 6 चेक इन काउंटर हैं और इस टर्मिनल बिल्डिंग में 200 लोगों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता मौजूद है। नंबर 3, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, बिहार का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका एयरपोर्ट कोड है GAY। ये एयरपोर्ट गया और इसके आसपास के शहरों को सर्व करता है और गया शहर के दक्षिण पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेटर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इस एयरपोर्ट को 2002 में खोला गया था। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक एस्फाल्ट सरफेस रनवे है जिसकी लंबाई 2,286 मीटर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दरमियान
इस एयरपोर्ट का यूज करके 3,20,295 यात्रियों ने यात्रा किया था। वहीं 2,539 एयरप्लेन ने एयरपोर्ट के माध्यम से उड़ानें भरी थी। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैंकॉक, स्वर्णभूमि, पारो, दिल्ली, कोलकाता और यंगून के फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भूटान एयरलाइंस, ड्रूक एयर, इंडिगो, म्यांमार एयरवेज इंटरनेशनल, म्यांमार नेशनल एयरलाइंस, थाई एयर एशिया, थाई एयरवेज इंटरनेशनल, थाई वियत जेट एयर की उड़ानें मौजूद हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा और यहां पर रनवे की लंबाई को बढ़ाने के लिए 200 एकड़ जमीन को एक्वायर किया जाने वाला है। इसके अतिरिक्त फ्यूचर में एक नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जाएगा जो कि वर्तमान टर्मिनल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा यहां पर रनवे को कैट 1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से युक्त किया जाएगा, साथ ही साथ एक कार्गो टर्मिनल भी बनाने की प्लानिंग की जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बिहार राज्य के 3 सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आप किस एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी फ्यूचर में इसी तरह के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।